हाँ जी सर, क्या नाम है आपका, क्या मसला, क्या किस कारण आज? मेरा नाम है रिटायर्ड कैप्टन उत्तम सिंह टूर जी। मैं जो है एक्स सर्वर पर की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो हाउस वेलफेयरिंग कमेटी है, उसका मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब 98 से लेकर के 1998 से चल रही है, और वो आदमी जिनके लिए पहले बोला जाता था भाई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और वो दूसरा लफ्ज़ होता नो प्रॉफिट नो लॉस, अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि 98 से लेकर के आज तक इन्होंने ये नहीं बताया है कि हमारी कितनी ज़मीन थी, क्या था क्या नहीं था। बड़ा कंपेयर करने के बाद सिर्फ इनको 786 कनाल ज़मीन है जो रजिस्टर्ड है इनके पास, उसका भी वेरवा नहीं दे रहे हैं, और ज़मीन का पैसा जो है वो बिल्कुल डे टू डे बढ़ाते रहे और लेते रहे। मैं खुद आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर होते हुए मेरे लिए कहने के लिए शर्म की बात है कि आज तक 20 साल में शुरू हो गया है और इनका कुछ वेयर अबाउट का कोई पता नहीं है। जिम जो है इन्होंने पैसे जमा करते रहे, 10 करोड़ की जिमी इन्होंने ले लिया वहाँ पर सांबा के पास, जो कि जंगल का जंगल बना, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जमीन जो खरीदी है 2600 कनाल और 2600 प्लस और भी है, इन्होंने आज तक नहीं बताया कि ये एग्रीमेंट में इसका पैसा अभी हमने देना बाकी है। 25% पैसा बाकी था, जबकि इंडिविजुअल से 100% ले लिया है। वो पैसा जब जमींदार को नहीं दिया और ने पूरी ज़मीन अभी जो डिस्प्यूट कर दी है और उसका केस लग गया है, इसके बारे में हम लोग को कोई बताया नहीं गया है कि वो जमीन क्यों खरीदी। अगर वो 10 करोड़ वहाँ खर्च किया, वो 10 करोड़ इनको दे देते तो हमारे को जमीन लाट हो जानी थी और हमारा कोई विलक्षण। अभी इन्होंने जिससे भी कर दिया, पैसा पूरा ले लिया, लेकिन वहाँ जब जाते हैं तो ज़मींदार बोलता है जी मुझे पैसा नहीं मिला, ज़मीन मेरी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसके लिए डिटेल में इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और बताया जाए इंडिविजुअल को भाई क्या तुम्हारा पैसा कहाँ गया, क्यों गया। और इसके बाद लास्ट में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर ये पैसा नहीं वापस कर सकते तो इसकी वेरा बुक करके 7 मरले का प्लाट, 10 मरले का प्लाट, 10 का जो है कम से कम 21 लाख रुपया, और जो ये अपना 7 मरले का उसका 15 लाख रुपया, ये ज़रूर इनको पलटनी पड़नी चाहिए जो वहाँ स्टाफ का है। और नहीं तो गवर्नमेंट को मैं ये कंप्लेंट करता हूँ कि इसको छानबीन कीजिए। कौन था जिसने आपका ये सारा जो इशू था वो क्रिएट किया, और कौन थे लोग जिन्होंने पैसा लिया आपसे? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं कहूँगा जो जनरल जमाल है हमारा गवर्धन सिंह जो है वो इसका हेड था, वो चेयरमैन था, गलती उसके। उसके बाद दूसरी बात आ जाती है कर्नल के एस जमाल जो है वो उसका प्रेसिडेंट था इसका हाउसिंग कमेटी का, और उसने कुछ नहीं किया सिवाय इसके आज करते हैं कल करते हैं, इतना पैसा दे दो भाई, यही बात। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको डिटेल में इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो डिफॉल्टर हैं उनको पेनालाइज किया जाए। तो अभी सतवारी थाने में आप आए हैं एप्लीकेशन लेके, इनसे क्या आपने क्या बात हुई सतवारी पुलिस स्टेशन? इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, एक दफा पहले भी यहाँ पर आए थे, पहले भी ऑलरेडी ये केस है, 2013 में यहाँ आए थे, इन्होंने बोला हमने एडजस्टिंग करते हैं ये है वो है, लेकिन किसी को क्लियर नहीं किया है भाई इसका अभी हमने 25% पैसा देना है। अभी जो मालिक कहते हैं हमको पैसा दो 25% ऑफी वाले रेट से और जमीन ले लो, वो पैसा इन्होंने इधर देने के बजाय कहीं आगे पीछे इधर उधर खर्चा कर दिया। और हम चाहते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और दारोली एप्लीकेट्स हैं उनको सेटिस्फाई किया जाए और वो पैसा जो है इनको जब वापस करना है तो इस रेट से वापस किया जाए। ठीक है।